क्या आप जानते हैं कि हाई कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने के लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए हेल्दी डाइट और लाइफस्टाइल को तो बहुत जरूरी माना जाता है, पर इसके अलावा हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या से जूझने के लिए आखिर हम कौन से कदम उठा सकते हैं? चलिए साथ में जानते हैं। हमारे खून में दो तरह का कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल। बैड कोलेस्ट्रॉल को हमारी बॉडी के लिए काफी खतरनाक माना जाता है। अक्सर लोग सुबह नाश्ते को लेकर काफी कंफ्यूज रहते हैं। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो सुबह उठते ही कुकीज, मफिन, बटर टोस्ट या पैक्ड सीरियल्स खाना पसंद करते हैं। इस तरह के नाश्ते को सेहत के लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं माना जाता। इन सभी चीजों में शुगर की मात्रा काफी ज्यादा होती है, जिससे कोलेस्ट्रॉल बनने के साथ ही आपकी कमर का साइज भी बढ़ने लगता है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नाश्ते में हाई कैलोरी चीजों का सेवन करते हैं, जैसे छोले भटूरे, आलू पूरी, आलू परांठा आदि। अगर आपको फैटी लीवर, डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर की दिक्कत है तो आपको इन सभी तरह की चीजों से दूर रहना चाहिए। हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक आप सुबह के समय जो कुछ भी खाते हैं उससे आपकी बॉडी को तो ताकत मिलती ही है, साथ ही आप पूरा दिन फुल भी रहते हैं। ऐसे में जरूरी है कि आप नाश्ते में हाई प्रोटीन, हाई फाइबर, हेल्दी फैट्स और थोड़ा बहुत कार्ब्स को भी शामिल करें, ताकि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल में रहे। हार्ट हेल्थ को मेंटेन करने के लिए जो कुछ जरूरी है उससे आप अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कंट्रोल में रख सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल हमारे खून में मौजूद एक वैक्स जैसा पदार्थ होता है। कोलेस्ट्रॉल का लेवल 200 mg पर dl से ज्यादा होने पर हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। हमारे खून में दो तरह का कोलेस्ट्रॉल होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल जैसे कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन और बैड कोलेस्ट्रॉल यानी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। बैड कोलेस्ट्रॉल को काफी खतरनाक माना जाता है। हमारी धमनियों में बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने पर दिल तक खून सही मात्रा में नहीं पहुंच पाता, जिस कारण हार्ट अटैक और स्ट्रोक आदि का खतरा बढ़ जाता है। आज हम आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपकी सेहत के लिए काफी हेल्दी होती हैं और रोजाना सुबह इन्हें खाने से आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन रह सकता है। ओटमील। सुबह नाश्ते में ओट्स खाना सेहत के लिए काफी अच्छा माना जाता है। इसमें आप खूब सारे फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। ये आपके पाचन सिस्टम को सही रखता है और आप लंबे समय तक फुल महसूस करते हैं। इसमें सॉल्युबल फाइबर होता है जो बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। इसके बाद है अंडे। अंडे में प्रोटीन और हेल्दी फैट्स पाया जाता है। इसमें मौजूद हाई प्रोटीन और हेल्दी फैट्स कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन रखने में मदद करते हैं, लेकिन कोशिश करें कि अंडे खाते समय उसके अंदर के पीले भाग को ज्यादा ना खाएं। एवोकाडो। एवोकाडो में मोनोसैचुरेटेड फैट पाया जाता है जो गुड कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ाने में मदद करता है। सुबह नाश्ते में एवोकाडो का सेवन करने से आपका पेट लंबे समय के लिए फुल रहता है। बेरीज। बेरीज एंटीऑक्सीडेंट और सॉल्युबल फाइबर से भरे होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने में मदद कर सकते हैं। आप इनकी स्मूदी बनाकर भी पी सकते हैं। इसके बाद है ग्रीक योगर्ट। प्रोटीन और प्रोबायोटिक्स से भरपूर ग्रीन योगर्ट आपके पेट के लिए तो बेहतर माना ही जाता है, साथ ही साथ ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करने में मदद करता है। इन सभी चीजों का सेवन करने से आप अपनी बॉडी के कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन कर सकते हैं और साथ ही एक एक्टिव लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हैं। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।